वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक केस स्टडी लिया था बॉबलिनो का, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोटाइप्स। सो द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू गेटिंग अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड इज स्केलिंग अप टू बिल्ड मोर देन वन डिवाइस, पर हैप्स मेनी थाउजेंड्स ऑफ देम, ब्रिंगिंग अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो थिंग है वो है बिल्डिंग मोर देन अ वन डिवाइस, मीन्स एक से ज़्यादा, ठीक है। मीन्स आपने एक प्रोटोटाइप बनाया और सैम्पल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट यू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक सैम्पल से आप नंबर ऑफ उसमें प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्केलिंग अप, मीन्स एक से मल्टीपल, ठीक है। सो बिल्डिंग मोर देन वन डिवाइस, सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग, पर हैव मेनी थाउजेंड्स ऑफ देम, ब्रिंग अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस एंड क्वेश्चन। तो उसमें मेन चैलेंजेस है एंड क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। मीन्स एक पूरा होल सेट आप बनाओगे सिंगल प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ अ एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ठीक है, इन द प्रोडक्शन। सो फर्स्ट रीज़न ऑफ दैट इज़ द चेंजिंग एम्बेडेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सबसे मेन जो रीज़न है वो है आपका चेंजिंग द एम्बेडेड प्लेटफॉर्म। व्हेन यू स्केल अप मीन्स आप जैसे ही मास प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे एक सिंगल प्रोडक्ट से मल्टीपल्स में, ओके, सो यू मे वेल हैव टू थिंक अबाउट मूविंग अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, सो इट हैज़ अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म, सो यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सो फॉर कॉस्ट और साइज रीजन्स, ठीक है। तो अब ये किस पे डिपेंड होगा प्लेटफॉर्म चूजिंग, इट विल डिपेंड ऑन द कॉस्ट और द साइज रीजन्स, ठीक है। सो इफ़ द फर्स्ट प्रोटोटाइप यू बिल्ड ऑन पीसी और इन आई फॉर्म, तो जो फर्स्ट आपने प्रोटोटाइप बनाया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इफ़ दैट कैन बी बिल्ड ऑन अ सिंगल पीसी और बाय यूजिंग ऑन अ कोडिंग ऑन अ सिंगल पीसी, और इट कैन बी थ्रू अ फोन। सो द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो इट विल डिपेंड ऑन द कॉस्ट, ठीक है। इस आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना बजट है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट कॉस्ट यू कैन चूज़ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि मार्केट में ओपन एंड क्लोज दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, मीन्स ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स, ठीक है। पेड एंड फ्रीज ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो डिपेंड ऑन द कॉस्ट साइज एंड द साइज, सो यू हैव टू चूज द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगेन द फर्स्ट प्रोटोटाइप यू बिल्ड इट ऑन अ पीसी और इट कैन बी ऑन अ फोन। थर्ड पॉइंट, इफ यू यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटफॉर्म इन प्रोटोटाइपिंग यू मे फाइंड यू हैव टू मेक अ चॉइसेस एंड लिमिटेशन इन यूर कोड, ठीक है। तो ये डिपेंड है प्लेटफॉर्म पे, आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो फॉर डिजाइनिंग अ प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, मीन्स अ सैम्पल प्रोजेक्ट। सो दैट मेक्स अ चॉइसेस एंड अ लिमिटेशंस इन योर कोड, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो कोड आप लिख रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज, इट कैन बी अ पाइथन, इट कैन बी अ C++, सो यू हैव टू मेक द चॉइसेस एंड देर आर सम लिमिटेशंस इन योर कोड। नेक्स्ट पार्ट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑन 2K दैट द आर्डिनो प्रोवाइड्स मे नॉट बी स्पेशली इफिशियंट, सो दैट इज 2K इज द 2000। सो इन आर्डिनो प्रोवाइड्स द मेमोरी और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अप टू द 2000 KB, ठीक है, फॉर दिस कोड राइटिंग।
दैट इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस आर्डिनो, द मेमोरी साइज इज लिमिटेड, ओनली अ 2000 KB किलोबाइट्स साइज ऑफ कोड यू कैन राइट ऑन नॉर्मल आर्डिनो बोर्ड. सो इन प्रैक्टिस यू विल ऑफन फाइंड दैट यू डोंट नीड टू चेंज द प्लेटफॉर्म. ठीक है, इंस्टेड यू माइट लुक एट फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसिंग एन आर्डिनो प्रोटोटाइपिंग माइक्रोकंट्रोलर विद द AVR चिप. ठीक है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि जो आर्डिनो में माइक्रोकंट्रोलर यूज़ किया है, आर्डिनो जो रेडीली अवेलेबल जो बोर्ड है PCB है, ठीक है, इन दैट माइक्रोकंट्रोलर इज यूज एज अ मेन कंट्रोलर. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट माइक्रोकंट्रोलर यूज द AVR चिप, द सेम चिप दैट पावर्स द आर्डिनो. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ माइक्रोकंट्रोलर वी यूज द AVR चिप एंड जस्ट दोज कॉम्पोनेंट दैट यू एक्चुअली नीड कनेक्ट ऑन कस्टम PCB. ठीक है, एंड माइक्रोकंट्रोलर की जगह आप AVR चिप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो आर्डिनो में. ठीक है, मीन्स आपको मेमोरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपके कोड के जो मेमोरी साइज़ है दैट कैन बी अ ग्रेटर दैन दिस 2 KB, सो यू हैव टू चेंज द माइक्रोकंट्रोलर विद द AVR चिप एंड जो भी आपको हार्डवेयर उस बोर्ड पर कनेक्ट करना है. ठीक है, सेंसर्स, एक्चुएटर, डिस्प्लेज दैट कैन बी कनेक्टेड ऑन दैट कस्टम बोर्ड और द PCB. सो दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर्डिनो. सो दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज फॉर प्रोटोटाइपिंग ऑफ एम्बेडेड प्रोजेक्ट. सेकेंड वन इज़ द फिजिकल प्रोटोटाइपिंग एंड मास पर्सनलाइजेशन. So in that, chances are that the production technique that you use for physical side of your device would not translate directly to the mass production. ठीक है, तो जो production techniques आप use कर रहे हो to make a physical prototyping, so your device would not translate directly into the mass production. ठीक है, तो जैसे आप sample prototype बना रहे हो, that is a फिजिकल साइड मीन्स यू यूज द PCBs, देन डिस्प्लेज आर यूज और सेंसर्स आर यूज, सो दैट विल बी अ फिजिकल डिवाइसेस, सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इन टू द मास प्रोडक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सैम्पल प्रोटोटाइप बनाओगे, टेस्ट करेंगे आप उसको. ठीक है, अगर वो फाइनलाइज होता है आफ्टर दैट यू कैन मेक द नंबर ऑफ कॉपीज, मीन्स द मास प्रोडक्शन विल बी स्टार्टेड. सेकेंड पॉइंट, डिजिटल फैब्रिकेशन टूल्स कैन अलो ईच आइटम टू बी स्लाइटली डिफरेंट, लेटिंग यू पर्सनलाइज ईच डिवाइस इन सम वे. ठीक है, तो उसमें डिजिटल फैब्रिकेशन टेक्निक्स और टूल्स आर यूज विच अलो ईच आइटम टू बी स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है, तो जो आप फिजिकल प्रोटोटाइप बनाओगे एंड आफ्टर दैट इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू दिस बाई यूजिंग दिस डिजिटल फैब्रिकेशन टूल्स, सो देर इज़ अ somehow difference between the physical side and the this digital fabrication tools. So that is the second challenge, that mass prototypes and mass personalization. Third one is the climbing into the cloud. So that is the third challenge. So first point in that, the server software is easiest component to take from prototype into the production. ठीक है, तो जो सर्वर सॉफ्टवेयर है इज़ द इजी कंपोनेंट टू टेक फ्रॉम द प्रोटोटाइप इनटू द प्रोडक्शन. ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे बाय यूजिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो इट कंटेन्स द हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पार्ट, सो द सॉफ्टवेयर पार्ट इज मोस्टली रिलेटेड टू दिस क्लाउड टेक्निक. ठीक है, टू सेव द डेटा, सो द सर्वर सॉफ्टवेयर इज द इजी कंपोनेंट, सो दैट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम प्रोटोटाइप टू द प्रोडक्शन. ठीक है, तो जो सर्वर सॉफ्टवेयर है इन योर प्रोजेक्ट, सो दैट कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम सिंगल प्रोटोटाइप टू द प्रोडक्शन. ठीक है, और फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सेकंड, स्केलिंग अप इन द अर्ली डेज विल इन्वॉल्व बाइंग अ मोर पावरफुल सर्वर. ठीक है, फिर जब आप प्रोटोटाइप डिज़ाइन करोगे या सैम्पल डेमोस्ट्रेटेड प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, या सैम्पल प्रोजेक्ट बनाओगे, सो एट दैट टाइम यू डजेंट नीड द पावरफुल
सर्वर इन अर्ली डेज, ओके, मीन जब आपका प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, ठीक है, टेस्टिंग होने के बाद, देन वी नीड द अ पावरफुल सर्वर फॉर दैट टू सेव द डेटा. थर्ड पॉइंट, इफ यू आर रनिंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सच एज अमेजॉन वेब सर्विसेज, और यू कैन इवन हैव द सर्विस डायनामिकली एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज द डिमांड डिसोसिएट्स. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे ऑनलाइन वेंडर्स अवेलेबल है, जैसे अमेजोन प्रोवाइड करता है, गूगल प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो देर आर थर्ड पार्टी वेंडर्स आर देयर, सो दे प्रोवाइड दिस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, सो उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन इवन हैव अ सर्विस डायनेमिकली एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जितना आपको डेटा वहाँ पे सेव करना है, ठीक है, तो उतना साइज़ आप वहाँ परचेस कर सकते हो, या उतने का आप प्लान ले सकते हो अमेजोन वेब सर्विसेज का या गूगल का. ठीक है, तो उसे आप एक्सपांड भी कर सकते हो, मीन्स इंक्रीज भी कर सकते हो, एंड प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट की जैसे आप उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मीन्स कम भी कर सकते हो. सो दैट डिमांड्स, दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड्स ऑफ अ कस्टमर और यूअर प्रोजेक्ट. ठीक है, सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर दिस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द डेटा विच इज सेव इन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, सो दैट विल डिपेंड्स ऑन द डिमांड. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द थर्ड चैलेंज, दैट इज क्लाइंबिंग इन टू द क्लाउड. सो दीज आर द थ्री मेन चैलेंजेस फॉर प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज द changing embedded platform, second one is physical prototypes and mass personalization, and the third challenge is climbing into the cloud. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से इस टॉपिक पे आ सकता है. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम प्रोटोटाइप टू मास प्रोडक्शन क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन. ठीक है, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से चैलेंजेस है व्हेन वी मूव फ्रॉम अ सिंगल प्रोटोटाइप टू द मास प्रोडक्शन, एक्सप्लेन इट. ठीक है, तो जो हमने तीन मेन चैलेंजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए, फर्स्ट यू हैव टू लिस्ट देम. ठीक है, तो उनका लिस्ट बनाना है, एंड आफ्टर दैट वन बाय वन आपको उसको एक्सप्लेन करना है. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.